हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। काम करेंगे और क्या भाई, मैं यार काम करके मैच देखने चलते हैं यार। आज गाइस, आज मैच है जयपुर के अंदर और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है मैच देखने। क्यों नहीं है? मेरी इच्छा ही नहीं है आज तो मैच देखने जाने। मैच से भैया का कॉल आया, पासेस रेडी है तेरे आज तो एडवांस में। किसका मैच है आज? जीटीए शायद या जीटीए और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान। क्या करे, अब देखना ही नहीं है तो इसको फिर क्या कर सकते हैं। आपको मुझे तो क्या है, मुझे तो पहले इंटरेस्ट नहीं था भाई, मेरे तो पैर ऐसे भी नहीं हो रहा। आ, 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 आ। कल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई, अपने पैर का एक एक, मतलब पैर की एक एक नस मुझे महसूस हो रही है काफ़ी। सुबह उठाऊं ऐसे उठाऊं और फिर वापस ऐसे लेट गया हूं एक बार। थोड़ा सा आराम और चाहिए पैरों को। यार तेरे भी भारी हो रहे हैं पैर। हाँ, और काफ़ी टाइम बाद लेग्स लगाई ना स्ट्रेचिंग। हाँ, मतलब ऐसा कल मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मेरे मतलब ट्रेनर ने मेरी ऐसी हालत कर दी थी जैसे मैं पिट के आई हूँ कहीं से, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। मैंने एक चश्मा मंगाया है, मैं तो भूल भी गया कौन सा चश्मा मंगाया था मैंने, देखते है। कैसे लग रहा है? यशी से पूछता हूँ। यशी देखना मैं नया चश्मा मंगाया, पता कैसे लग रहा है? Hi. मैं आ रहा हूँ, तू क्या आएगी? चढ़ा है ये तो बहुत छोटा, तेरे फेस के अकॉर्डिंग छोटा है। देख है ना, तेरे मेरे बढ़िया है। चल हट, बेटी 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 हट जा, मुझे भी दिखा। ओ बारे इसके भी सही आ रहा है यार, सूरज बहुत छोटा चश्मा है, ये तेरे फेस के लिए नहीं था, कोई बात। अब आपकी सॉरी हो गई दोस्तों। तो हमारे ना सारे फैन पेजेस ने, हमारे जितने सब्सक्राइबर्स है सब ने कमेंट कर करके बोला गुलाबी साड़ी पे बनाओ, गुलाबी साड़ी पे वीडियो बनाओ। तो मैं आज गुलाबी साड़ी पे वीडियो बना रही हूँ सूरज के साथ। बेटी दिखाओ, बेटी दिखाओ, दीदी एक बार दिखा दे ना। अरे वो क्या हुआ, डैडी पापा बंद था, अभी इसने क्या वो थोड़ी सी वो चेकर थी उसमें चिटली उंगली दे दी उसमें, काई में काई में। अरे वो बक्से में से साड़ी। अरे अरे यार मम्मी लग गई लगी बेटी के, दिखाओ लड़की कैसी लग रही है। जस्ट अभी अभी हम लोगों ने बहुत ही क्यूट सा बहुत ज्यादा वीडियो शूट करा, जो कि आप लोगों ने, कई लोगों ने बोला भी था कि सोलमेट सॉन्ग पर आपके साथ में वीडियो बनाना। यस, और गाइस वो हमने बनाया, और हम लोगों का कोऑर्डिनेटिंग आउटफिट, इस आउटफिट में हम लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत ज्यादा क्यूट सा, बहुत ही क्यूट लग रहा है, जल्दी ही लाइव हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मतलब अच्छी नहीं लगी साड़ी यार, मुझे सिंपल साड़ी चाहिए थी, मुझे जैसी चाहिए थी वही साड़ी। 15-20 मिनट से कोशिश कर रहे थे साड़ी तो पहन ली। रुको यार मौसम आंटी प्लीज, ये इधर पिन होगी, सुनो मेरी बात, ऐसे पिन होती है फिर ये यूं जाती है साड़ी, यहाँ पे थोड़ी पिन लगती है, लगती है पिन ले, वो देख सही हो गई। अरे मैंने ना प्रोफेशनल डेयर आर्टिस्ट हूँ। तो तू प्रोफेशनल है क्या, मुझे बता। बट मैं ये बारिश आ चुकी है, बेचारे जिन्होंने भी आईपीएल की टिकट्स लिए हैं उनके लिए थोड़ी सी दुखद खबर, वो बादल गरज रहे हैं, हो गया आज तो काम इनका, हो जाएगी, हो जाएगी, वैसे बंद हो जाएगी, ज्यादा तेज नहीं आने वाली लग रही, पर पिच गीला हो गया, वो तो सुखा देते यार तुरंत ही, रुकता नहीं इतनी धीरे बारिश में, तो मैच बंद होती है चालू हो जाएगा 15-20 मिनट के अंदर। ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा, रुक जा ओए, केक दो उसका, केक दो उसका, दे भाई। एक जगह मैंने इसको बोला कि ना एक दोने में मेरा भी डाल, भाई ऐसे तो बोला ही नहीं, नहीं बोला बेचारी बच्ची का छीन के खाता है, दे उसको दे दे। अब तू गया चांद,
सो गाइज अभी भानु चला गया है मैच देखने के लिए, भानु और भानु के भैया नन्नू भैया वो दोनों गए मैच देखने के लिए, वीआईपी टिकट्स ऑल थैंक्स टू संजीव भैया। हमारा भी प्लान था जाने का लेकिन आज थोड़ा सा काम था इसलिए हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि अगर वहाँ चले जाते तो ना वीडियो शूट होते ना व्लॉग शूट हो पाता, क्योंकि पूरा शाम का टाइम है वो पूरा का पूरा उसमें चला जाता। और आज का व्लॉग बड़ा ही मजेदार होने वाला क्योंकि आ रहा है इनके लिए क्या बोलते हैं सिंजारा, सिंजारा बोलते हैं ना भाई, सिंजारा आ रहा है जो कि लड़कियों के लिए होता है, मतलब लड़कियों को देते हैं घर वाले, ऐसा कुछ सीन है। वो हर बार मैं हर साल एक्सप्लेन करता हूँ पूछ के, वो वैसे इस बार भी करूँगा। और फिलहाल हम लोग जिम जाके आ रहे हैं ताकि पहले जिम जाके आ जाएं, फिर अच्छे से मस्त खाने पीने की चीजें आने वाली हैं भाई, खाने पीने की चीजें आने वाली हैं भाई, तभी तो रुक रहा हूं मैं तो रुकता गया और वो 500 रुपए के नोट मिलेंगे भाई, लड़कों को नहीं मिलेगा, लड़के को भाई देने के लिए लड़का सिर्फ आगे सब कुछ देते रहो, जीवन भर देते ही रहो, लड़के को मिलता है। तू बन जा लड़की, दिलवा दूंगा तेरे को एक सिंजारा एक्स्ट्रा भाई, अगले जन्म में लड़की बनूंगा सॉर्टेड लाइफ, कोई टेंशन ना कुछ। देखो लड़कों की लाइफ इजी बता रहा है भाई, लड़कों की लाइफ देख लेगा ना घर, तू तो क्या बता रहा है भाई ऐसे ही क्या बोल रहा है, लड़कियों की लाइफ इजी होती है ना, कोई टेंशन ना कुछ। क्या बात कर दी आपने हैं, बोला अगले जन्म में लड़की बनूंगा और लेट हो गया यार, मेरे को ट्रेनर को बुलाना पड़ेगा। चल 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 सर बस 10 मिनट में आई, चल 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 मैं पर्सनल ट्रेनर है हमारी यशी का तो। यस और वो मुझे बहुत भयंकर वो कराते भाई, देखो ना मेरी हालत देखो चलने वाली, देखो ना बॉडी बॉडी दिखाना, इवन यू कर ये बाइसेप देखिए, बाइसेप डबल बाइसेप है नहीं अभी ज्यादा देखना, बस इतनी है नहीं मार भाई कपड़े तो है ना टूटते हैं तो अरे जूते वगैरह अरे बहुत तेज लगी मेरे यहाँ पे और बहुत तेज जलन हो गई भाई, चलो 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 जरूरी काम है ना आपको छोड़ के आ रहा हूँ नीचे तक भाई। सो गाइज मीकू बना रही है मेरे लिए, क्या बना रही है गाइज मीकू बना रही है यहाँ पे, क्या बना रही तू पनीर टिक्का, और देखो मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा कि बन जाएगा पनीर टिक्का पूरी तरीके से भाई, ये क्या है भाई, क्या कर दिया तूने, क्या है, क्या ये मैरिनेशन नहीं है, क्या था मैरिनेशन, मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन। गाइज हमने क्या है कि टिक्का एक ही बार बनाया था न्यू ईयर पे, क्या आपको याद है भाई, मैं दही लेने गया था उस तरीके से तो ये बस ये वही पनीर टिक्का बना रही हूँ, बोल सकता मैं गाइज वो मैं ना वो यार वो क्या थोड़ी जिम विम करके आएंगे तो मैं सोची यार पनीर टिक्का बना देते हैं आज, और यहाँ पे जो मैं बैठा हूँ इतनी देर से मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसका, आपकी क्या एनर्जी वेस्ट हुई है मुझे बताइए भाई, वो तो खा के आएंगे उनके लिए मत बनाइए, मेरे लिए बना सिर्फ, वो तो मना करके गए सूरज तो भाई, वो बोल के गए कि आज तेरे हाथ का पनीर टिक्का खाऊंगा, जल्दी बना, भूख लगी और गए जिसने को ये बुरा पता नहीं क्या बिखेर दिया, बेसन आपको पता तो कुछ है नहीं, चल ठीक है तेरे को पता है ना अच्छे हाँ। से बनाइयो नहीं तो तेरा जो मुंह है ना ये इतना सा इसको तोड़ दूंगा भैया, बाप गए गाइस, आज तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो सही बना रही है ये चीज, दिखने में मुझे सही लग रही है भाई, दिखने में वो खाने में भी अच्छा है, एक टेस्ट कर भाई ऐसे नहीं होता, फिर कैसे होता है, ऐसे होता ही नहीं, बना के रखेगी क्या इसको है स्टॉक में, अरे जला दी, अरे मसाला गाइस थोड़ी सी भिड़ंत हो गई गाइस, अगर इसको अकेला छोड़ देना कोई यहाँ पे फ्लैट पे तो जला दे फ्लैट को, सही बता रहा हूँ प्लीज यार तेजी यार, सही लग रहा है, भूख भी बहुत तेज लगी थी, पानी और आ रहा है भाई, आपको देखोगा पहले तो आपको देगा कौन ये बताइए आप तो जा भी रहे थे, आप तो रुक भी नहीं रहे थे यहाँ पे, नहीं मिलेगा गाइस, ये क्या बोली मुझे देगा कौन भाई मैं इतना बड़ा आदमी हुई नहीं कि मुझे कोई दे, मैं तो खुद ही ले लूंगा गरीब, नहीं आप ले नहीं सकते, मैं मार दूंगी दूंगी गाइस, अभी जैसे हम लोग जिम कर गए हैं और मीकुड़ी ने हमारे लिए बनाया पनीर टिक्के, लेट्स ट्राई यार, अगर इसने पनीर टिक्का सही बना दिया ना तो मजा आ जाएगा भाई, कसम डाइट का खाके नहीं आया इस बार, अबे यार पकड़ो मेरे को ट्राई तो करने दे, बनाऊंगी मैं, सोचा आप आओगे तब बनाऊंगी, ये बने हुए थे सेकू तो सही, अच्छा सही ना बनेगी, और भाई तेरी कसम मैं ना पहली बार इतनी सही चीज बनाई, बहुत पहली, अरे मतलब आपस से बोलना ही, मैं नहीं मतलब बहुत अच्छी चीज बनाती थी मीकुड़ी, ले यार मैं खिला दो पनीर रैप खा के आई है, दो पनीर यार रितेश भैया अपना मंगाता नहीं मेरी चीज में से ना मुंह मारता, शुक्रिया, वरना कल तो हम यहाँ है ना बदबू से भूसे में मिलते हैं, जारा का गिफ्ट आपके लिए नहीं है, खुश हो रहे हैं तीसरी कपड़े
अरे वाह हमारे कपड़े आए, थैंक यू। रुको तो सही, रुको तो सही भाई। हमारे हमारे ना रिवाज है, आपको एक बात बताती हूँ दोस्तों। तो जो मम्मी हमारे सिंजारे पे कपड़े लाती है ना, मैं और मीकू पूरे साल वही पहनते हैं घर में। एक ही ड्रेस चलती है, साल में दो सिंजारे आते हैं तो छह महीने चल जाते हैं घर के। दो दो ड्रेस भाई, घर में मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, नए कपड़े। बास्केट में बोला था ना, बास्केट बास्केट आ गई, ये बास्केट आ गई। सुन सुन सुन, ये तो तेरा सिंजारा पता है, ये तो तेरा सीन जा रहा हो गया। तेरा सीन मकोड़िया, ये तेरा सीन जा रहा है। भाई हम काटी नहीं पहन, भाई खुद की बैठी है। अरे बढ़िया बढ़िया चीज आई और हमारे लिए लिया पहन। अरे प्यार से दी हुई चीज है, जहर भी खा लेते प्यार से दिया हुआ। तो ये मिल रहा भी तो ये ले ले। हाँ नहीं, ये भी जाएगा। मेरा मेरे दोस्त का तो हो गया भाई, सुबह का चाय नाश्ता। ये अपन दोनों बात, ये बड़ी बेटी के शुक्रिया, बड़ी बेटी की और भी चीज है भाई। हाँ भाई, ये पनीर के दोगे वर है। मम्मी यार ये खाएंगे लोग, है ना। एक दनु देगी सूरज को, मी को देगी तेज को। भाई ये क्या बात है, सॉरी। और बानू को भी, बानू को भी शेयरिंग शेयरिंग, है ना। ये मिक्कू का है और ये दनु को दे दिया। अरे मेरी साड़ी होगा, मेरे को चिंता ही नहीं लग रही थी सबसे ज्यादा। भाई संभाल लो, दो साड़ी फाड़ दी। कितने कपड़े लिए यार मम्मी आपने से अतरंगे प्रिंट। नहीं नहीं कंफर्टेबल, देखो ये वाले जब, अगर तुम्हें ये वाले निकर नहीं जमते तो मैं ये वाली भी और ला दूंगी। मम्मी यार मैं ये कलरफुल निकर ये रात को पहन के नहीं सो सकती, दिन में पहनूंगी तो ये रात को पहन के। हाँ ठीक है। और ये टी शर्ट देख लो, नाम वाली लाइट टी शर्ट, नाम वाली द सनशाइन, सूरज की है। मीकू की है। कलर कलर देखो, कलर है गिव योर सेल्फ। क्या वाह वाह वाह, कलर कैसे है कलर बताओ। अरे सब बढ़िया है, ये कलर तो मम्मी कांस्टेंट लेके आती है। हाँ ये मम्मी का वो है, लेके आएगी। लव योर सब बढ़िया है, सब बढ़िया। वो पहनेगी वही फिसे पिटे दो पुराने। दो जोड़ी इसके लाई हूं, दो जोड़ी कंफर्टेबल रहते हैं ना। सूरज पूरे दिन अपन रहते हैं, वो ये कंफर्टेबल कपड़े रहते हैं, आराम से पहनो सो। भाई मुझे बड़ी खुशी की वो हो रही है, कसम से आज तक मुझे किसी ने फैन नहीं दिए। फैन को फैन जरूर मिलेगा। ये हमारे पनीर की जगह है, ये ले। सब बच्चे मिलके खाना भाई। और ये तुम्हारा फैन लो, ये फैन लो। फैन। दो दो फैन ले। आज दो फैन मिल गए भाई, कसम खुशी का ठिकाना नहीं है। अंकल क्या बताऊं भाई, ये तो क्या दिख गए अंकल को, तो बोले सूरज चाय के साथ। यार गाइस पनीर टिक्का बनाया था जो तो खाने में ठंडा हो जाएगा। यार ये आ गए अंकल बीच में, यार एक और कंसिस्टेंट, वो एक और कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, क्या कंटेंट, एक और बढ़िया। अरे यार प्योर की साड़ी खोली क्या तुमने? वो ही खोली मैंने तो, वही अच्छी लग रही थी मेरे को। डाउट था पहले, आपकी साइड तो गई खराब कर दी, खराब। मीकूड़ी ने बनाया घर पे पनीर टिक्का, जल्दी मैं भी खाऊंगी, मुझे भूख लगी। पनीर गेवर ढूंढ रहे अंकल, सही है तो मीठा खाएंगे यार। अपनी तो मतलब की चीज यही है ना, और तो क्या भाई, एक बार अपन ने दे दिया खा लेंगे अपन भी। क्या ये क्या खाएंगे, मिर्ची मिर्ची बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए है, चल अंकल टेस्ट कर रहे, सही तो है ना अंकल, टेस्ट कर रहे क्वालिटी कैसे कैसे नहीं है। उसने पैक कर दिया, मैं ले आया, ये देखो। खराब हो जाएगी भाई, ये तो आप से ज्यादा तुमने मुंह में पानी आ गया। सुनो यार वो करना बंद करो, आप किस रिएक्शन से आपको गिव नहीं। अरे चुप रहो, अच्छा हुआ इसने कैमरा पकड़ा है। हितेश भैया कैमरा इसके हाथ में नहीं होता ना, तब तक तो आधे हो जाते हैं। अभी तक ना मैंने देखा, बेटी के लिए बेटियों के सिंजारे क्यों बनाए जाते हैं। लो भाई 500 का नोट दो, पैसे तो लेंगे हम, पैसे तो लेंगे हम। सुनो वो अलग से, मैं सिंजारा मांग रही हूँ, मैं डॉगी लेकर आऊंगी। घर जब मैं ट्रैवल करूंगी तो उसको आपको टेक केयर करनी पड़ेगी। और आपको कौन बोल रहा है परमानेंट आपके पास है, मैं कह रही हूँ जब मैं ट्रैवल करूंगी तब। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे डॉगी को मैं आपके पास छोड़ूंगी? और सुनो ट्रैवल 15 दिन होते हैं, महीने 15 दिन होते हैं। और माया नहीं यार, मत करो यार, ये बात बनने वाली नहीं है। एक सेकंड, दिस इज नॉट फेयर। वो क्या करेंगे, ये सब भी ले जाएंगे वापस। कोई बात नहीं, मैं मेरे डॉगी को ट्रैवल करा लूंगी तुम्हारी हस्तस। अरे डॉगी को ट्रैवल करा लूंगी, सुनो मैं पहले बता रहा हूँ, एग्रीमेंट बनवाऊंगा ठीक है, साइन करवाऊंगा इसका। और मैं भी एग्रीमेंट बनाऊंगी, जिसने ये बोला कि हम इसका काम नहीं करेंगे वो उसके अड़ेगा भी नहीं और उसके पुच्ची भी नहीं करेगा। हां ठीक है, हां ठीक है, करने भी नहीं
देखेंगे भी नहीं। ठीक है, हम तो फिर ऐसे करके चलेंगे। हाँ, चलो चलो ऐसे करो। अग्रीमेंट है, जो जो खिलाएगा वही नीचे वॉशरूम लेके जाएगा। हाँ, नीचे बिल्डिंग के नीचे ले जाऊंगी। ठीक है, ले गए बाहर तक। बाहर तक जंगल, जंगल में ले जाना पड़ेगा। जंगल कहाँ है? आप घूम रहे हो तो जंगल। अगर तुम पता है क्या होगा अभी, ये तो ये नहीं पता कि रसोई का रास्ता किधर, डॉगी रखेगी है ना, वो डॉग फिर सब हम सबकी ड्यूटी लगा देगी। अच्छा, मेरी बेटी की पॉटी मैंने साफ की थी, किसी ने भी नहीं की थी पॉटी साफ। एक दिन तो हो जाती है, एक दिन तो क्या हो जाती है, मैं तो कर दूंगी। जो चीज प्यारी लगती है उसका सब हो जाता है, समझ में आ रही ना? और तू तू तो बेटा उसके पास ही मत जाइयो, तूने सबसे ज्यादा मना किया डॉगी के। और क्या तो भी नहीं जाएंगे। उस दिन सुन, याद है अपनी वो दिल्ली से फ्रेंड आई थी, तो मैंने इनको ऐसे ही, मैंने कहा लो मैं लिया ही। तो पहले तो क्या बोलता, नहीं नहीं क्या बोलता, अरे वाह ये तो कितना क्यूट है, मान गए थे कि हमारा ये। कोई बात नहीं, लेकिन अभी डॉग नहीं आ रहा। देख गाइस, अभी पता है क्या, चार नोट निकलेंगे, 500 के और 10-10 के। अलग करके लाए होंगे, आराम से दिखाई होगी। निकाल लो तो दे दो। 20 आ गया। मेरे को मम्मी ये बुढ़ापे में बिल्कुल बाबा जैसे लग रहे हैं। पैसे के आते नहीं लगा रहे हमारा बाबा है ना बाबा। कहीं ऐसे बोले 50 ले लो, पूरी टीम कर लेना। बाबा है ना बाबा, हमारा बाबा। वो पैसे को ना किसी को हाथ नहीं लगा देते। पैसा चीज ही ऐसी है, ऐसी कोई 500 आ गए वो ऊपर आ गए धीरे-धीरे। 3-4 नोट लाए सूरज। ये पूरे महीने का खर्चा आज कितनी 10 तारीख की तो हुई है ना। हां, पूरा महीना चलाना यही पैसे है। बोला था ना तेरे को। अरे तो सुन ली तो दे दो यार। आंटी आंटी पांच कितने दे रहे हो आप? अब वो देखो कितने दे। आंटी चुप हो गए, अब तो बोले इतना से बचे। अच्छा 1500 2000 2000। ये क्या क्या गिरान दे दो, लकी करो ना टावरा में। देख तो सही डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लिए, बड़े से छोटा। किधर से शुरू करूं? बड़े से, उधर से, उधर से, बड़े से। नीचे तो यही था। आशीर्वाद दे दूं? आशीर्वाद तो खूब है हमारे पास, आप ले लो। लो भाई ये एक कम हुआ। ओह माय गॉड। दूसरा यार इधर से भारी भारी लगा है। क्या करूं भाई? भाई देखो अगर दो तो 500 दो, नहीं तो फिर हम नहीं लेंगे। तो ठीक है, मतलब भाई तेज जी का तो भयंकर जुगाड़ हो जाएगा 500 रुपए में। मेरा कहेगा अरे अंकल क्या बात ले ले ले। सूरज के भी चले 1,000 रुपए इनमें से आधे आधे कर। इनको तो बिल्कुल भी मत देना गाइस, आयु लक्ष्मी को मना नहीं करते। ले आज आधा फाड़ ली इसमें से। अरे भाई यहाँ से लो यार, अंकल आपके पास ना घर खर्चे के लिए कम ही बचे हैं पैसे, तो आप रख लो यार। देख भाई, भाई मुझे मिले ही नहीं पैसे। देख भाई मैंने तेरे को दे दिया भाई, आप सामने में तोड़ ली मेरे पैसे। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल यार, ऐसे नहीं होता अंकल। ऐसे होता है, ऐसे होता है। भाई लक्ष्मी को हमने भी मना नहीं किया, रख लिया सूरज ने। यार अंकल मैं तो आप ही सोच रहा था। आई भी पैसे इसने वापस दिए, मैंने रख लिए भाई। देख भाई मैंने तेरे को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। मुझे साले मेरे पैसे दे। 500 रुपए और बचे, वो भी क्या करोगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग आज ना प्लान कर रहे थे मम्मी को प्रैंक करने के लिए, मम्मी की साड़ी फाड़ दे। मम्मी को बोला हमने साड़ी फाड़ दे, तो क्या बोली मम्मी बताओ? मेरा जी निकल गया मेरा तो। क्या अभी तो मेरे पैर भी नहीं है। अभी तो मेरे अटैक आ रहा था, अब उधर अटैक आने लग गया। साड़ी का अपना नाम लेती है। ऐसे है कपड़े तो मैं जीव से ज्यादा रखती हूँ मेरे, अच्छी तरह खिला तो दो कम से कम यार। मैं लेके आता हूँ अपन दोनों के। तो गाइस जस्ट अभी अभी चांद दिख चुका है, और चांद दिखता ही मतलब ईद हो जाती है स्टार्ट, है ना? अच्छा, तो आप सभी को ईद मुबारक, मुबारक। कल जाऊंगा मैं जुई दीदी के घर पे सेवैया खाने के लिए, और कल भी ईद मनाते हैं। चलो ईद मुबारक, और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मैदान मूवी देखने के लिए। यस लेट्स गो। चल चल लेट हो गया। चलो 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 फिर ओके बाय।